क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ हलवा है क्या? दियाड़ी लगा जा, दियाड़ी लगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सुबह हम निकल चुके थे अपने होटल से वाहेगुरु जी के चरणों में अपना सिर रखने के लिए, द गोल्डन टेम्पल अमृतसर के लिए। और यहाँ पे हमें ऑटो ने उतार दिया और यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स दिख रही थी चारों तरफ, तो हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स और म्यूजियम्स और कुछ सुविनेर शॉप्स भी हैं जो आपको मिल जाएंगे। कुछ आगे बढ़ने के बाद हमें राजा रंजीत सिंह जी का चौराहा दिखा, जहाँ पे आप देख सकते हैं महाराज रंजीत सिंह, जो कि एक बहुत बहादुर सिख राजा थे और वॉरियर थे, उनकी मूर्ति है बहुत बड़ी सी, तो वो हमें दिखी, जो कि भारत की आन बान और शान है। उसके बाद गोल्डन टेम्पल से जस्ट पहले कुछ अच्छी मार्केट्स हैं, जो कि अगर आपको कुछ भी अपेरल आइटम्स खरीदने हैं, ऑर्नामेंट्स खरीदने हैं, या कोई घर पे कोई सजावट की चीज़ खरीदनी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और फाइनली गोल्डन टेम्पल, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कैमरा ले जाना अंदर अलाउड नहीं है, तो हम सीधा जलियांवाला बाग पहुंच गए यहाँ से वाहेगुरु जी का दर्शन और लंगर के बाद। और जलियांवाला बाग में आप देख सकते हो कि ये गोलियों के निशान है जो हमारे वीर क्रांतिकारियों ने जो बलिदान दिया है अपने देश के लिए, ये उसका है। और वैसे जलियांवाला बाग की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी। ये वो कुआं है जहाँ पे बहुत लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे, बट फिर भी इसके पानी में बहुत लोग डूब के मर गए। जलियांवाला बाग के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन थी द वाघा बॉर्डर, और वाघा बॉर्डर के लिए हमने लिया हॉप ऑन हॉप ऑफ बस, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग हम पहले से कर रखी थी। इस बस को बुक करने का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो आप देख लेना। ये डबल डेकर बस है और हम टॉप वाले टेरेस वाले लेवल पे बैठे हुए थे, जो कि काफ़ी ऊंचा है, और मकान की छत, इलेक्ट्रिक पोल्स, फोन पोल्स, ये सब आपके लेवल पे आ जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको बच के भी रहना चाहिए यहाँ पर। और नज़ारा तो एकदम टॉप क्लास था, यहाँ से आप पूरा अमृतसर दिखता है जिस रूट से ये बस जाती है। और मई के मौसम में ही बारिश हो रही थी, मानसून जैसा मौसम था, तो अनफॉर्चुनेटली हमें नीचे आना पड़ा, जो कि कवर्ड वाला लेवल था, वहाँ से हम वाघा बॉर्डर तक की डिस्टेंस कवर करने के लिए देखने लगे। और जिन लोगों को नहीं पता है, वाघा बॉर्डर जो है वो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, जहाँ पे हर शाम बीट रिट्रीटिंग सेरेमनी होती है। और उस साइड पे आप देख सकते हो पाकिस्तान के लोग हैं, इस साइड पे हमारे भारत के लोग हैं, और बीच में एक बड़ा सा गेट है। तो ये फ्लैग मार्च और ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है, इसमें आर्मी वाले हमारे भाई लोग हैं, वो लोग नॉर्मल लोगों को, सिविलियंस को भी इनवाइट करते हैं, जैसा आप देख सकते हो।
और काफी अच्छा पार्टिसिपेशन होता है यहाँ पे लोगों का। हमें गर्व है अपने आर्मी पे, अपने भारत देश पे, और हजार जन्म लेके भी हम अपने आर्मी का कर्ज नहीं चुका सकते। भारत माता की जय। जय हिंद। Oh.